हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स शो वाटिका में स्वागत करते हैं। आज हम लोग दक्षिण रेलवे पालघाट डिवीजन में 27/5/2022 के संटिंग मास्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन है। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है जी एन एस आर 5.13 में सेंटिंग नियंत्रण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें ऑप्शन मिले, सेंटिंग संचालन को अस्थाई सिग्नलों या हाथ के सिग्नलों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। मतलब 5.13 में क्या लिखा रहता है, क्या सूचना लिखा है। लोको पायलट को पूर्णतया सिग्नलों पर निर्भर रहना है। तीसरा लिखा है, जब तक विशेष संदेश के तहत अधिकृत नहीं हो, संटिंग संचालन के दौरान गति 15 के एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इसमें लिखा है तीसरे में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें कह रहा है तो केवल तीन सही है। जब तक विशेष संदेश के तहत अधिकृत नहीं हो, सेंटिंग संचालन के दौरान गति 15 के एम्पीयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर तीन। किसमें लिखा है, जी एन एस आर 5.13 में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना स्टार्टर सिग्नल वाली लाइन से एक गाड़ी को चालू करने के लिए लोको पायलट को एक लिखित प्राधिकार दिया जाना है। यह लिखित प्राधिकार निम्न फॉर्म में दिया जाता है। लिखा है, बिना स्टार्टर सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करना है, तो वहाँ से कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, T511 दिया जाता है। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए T511 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है, गाड़ी से उतरते और चढ़ते समय यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा सहायक होता है। तो गार्ड की ही जिम्मेदारी होती है, तो गार्ड ही होगा, क्योंकि इंचार्ज जो ट्रेन का गार्ड ही होता है। तो गाड़ी से उतरते और चढ़ते समय यात्रियों के लिए निम्न में से कौन सबसे अच्छा सहायक होता है, तो गार्ड होता है। अगले क्वेश्चन, चार नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लिखा इंजन से दिया जाने वाला निम्न सीटी कोड क्या प्रदर्शित करता है। तो लंबी छोटी, लंबी छोटी सीटी जो बजाते हैं तो क्या होता है। तो गाड़ी का या तो विभाजन किया गया है या गाड़ी अपूर्ण आगमन में है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। लंबी छोटी सीटी बजाई जाएगी, गाड़ी का विभाजन हुआ है या गाड़ी अपूर्ण आगमन में है, मतलब आधी गाड़ी अधूरा लोड लेकर आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच नंबर का क्वेश्चन है। कहला है, क्रेन ट्रेन क्या है, क्रैक ट्रेन क्या है। तो क्रैक ट्रेन जो है, पांच नंबर का क्वेश्चन है, यह है ऑप्शन नंबर ए ही सही है। एक गाड़ी जिस पर बिना कर्मी दल क्रू परिवर्तन के वही कर्मी दल अगले जंक्शन स्टेशन तक कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है, एक गाड़ी जिस पर बिना कार्मिक क्रू ड्राइवर परिवर्तन के वही कर्मी दल अपने जंक्शन स्टेशन तक कार्य करता है, तो उसको क्रैक ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छः नंबर का क्वेश्चन है। SWR या स्टेशन संचालन नियम के परिशिष्ट ई में विवरण दिया हुआ है। तो
तो ये दिया हुआ है अनिवार्य उपकरण है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनिवार्य उपकरण। क्या ग्रह SWR के परिशिष्ट ई में विवरण है अनिवार्य उपकरण, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ियों की प्राथमिकता के लिए सामान्य क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सुपर फास्ट गाड़ियों जैसी की राजधानी एक्सप्रेस, और दूसरा कह रहे हैं व्यस्ततम समय में उपनगरीय ट्रेन दूसरे नंबर पर रहेगा, तीसरे पर रहेगा मिश्रित गाड़ियां, और चौथा रहेगा थ्रू माल गाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, दूसरा पहला पहले पे ये रहेगा, दूसरे पे ये रहेगा, तीसरे पे ये रहेगा और चौथे पे ये रहेगा। क्या रहा है, पहला रहेगा सुपर फास्ट गाड़ियों जैसे कि राजधानी, दूसरा रहेगा व्यस्ततम समय में उपनगरीय ट्रेन, तीसरे में रहेगा मिश्रित गाड़ी और चौथा रहेगा थ्रू माल गाड़ियां, मतलब गाड़ियों की प्राथमिकता के लिए सामान्य क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अधिकृत हम्प यार्ड में ढकेले गए डिब्बों की गति को कम कम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो रेल ब्रेक लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। यात्रीकृत हम्प यार्ड में ढकेले गए डिब्बों की गति को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, तो ये लगाए जाते हैं रेल ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम बीपीसी रैक का मतलब होता है, प्रीमियम बीपीसी के रैक का मतलब होता है, तो मालूम होना चाहिए विभिन्न रैक लोडिंग के लिए बीपीसी 15 दिन तक मान्य, विभिन्न रैक लोडिंग के लिए बीपीसी सॉरी 15 दिन सॉरी 12 दिन, क्या है 12 दिन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रीमियम बीपीसी रैक का मतलब है, ए ऑप्शन सही है, विभिन्न रैक लोडिंग के लिए बीपीसी 12 दिन तक मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी श्रेणी है, डी श्रेणी स्टेशन कौन से हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो लगातार दो ब्लॉक स्टेशनों के मध्य स्थित गाड़ी ठहराव का स्थान तथा जो किसी भी ब्लॉक स्टेशन की सीमा नहीं बताता है, तो वो आप डी क्लास डी श्रेणी स्टेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। लगातार दो ब्लॉक स्टेशन के मध्य स्थित गाड़ी ठहराव का स्थान जहां दो किसी भी ब्लॉक सेक्शन की सीमा नहीं बताता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, डी श्रेणी स्टेशन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, स्थानिक संचालित मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल वाले सी श्रेणी स्टेशन पर अस्थायी सिग्नलों की आवश्यकता कम से कम उपकरण लगे होते हैं, तो डिस्टेंस और होम लगे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अस्थायी संचालित मल्टीपल एस्पेक्ट अस्पेक्ट अस्पष्ट अस्पष्ट सिग्नल वाले सी श्रेणी स्टेशन पर अस्थायी सिग्नलों की आवश्यकता कम से कम उपकरण लगे होते हैं, एक डिस्टेंस और एक होम लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड 4th विभिन्न प्रकार के इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड में फेसिंग पॉइंट पर गति क्या है। तो हाँ, आपका कौन सा सही है, तो स्टैंडर्ड 1 में 50 mph होता है, स्टैंडर्ड 2 गलत है क्योंकि 110 होता है, और स्टैंडर्ड 3 140 है, स्टैंडर्ड 4 160 है, तो पहला तीसरा और चौथा सही है, पहला तीसरा और चौथा सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैप इंडिकेटर के लिए कौन सा कथन सही है,
ट्रैप इंडिकेटर के लिए कौन सा कथन सही है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या 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 है इसमें है? 13 नंबर। इसमें कह रहा है पॉइंट के साथ एक उपकरण लगा होता है जो ये दिखाता है कि ट्रैप पॉइंट सेट है या खुला है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। दूसरा कहता है जब ट्रैप खुला हुआ है तो ट्रैप इंडिकेटर दिन में लाल टारगेट तथा रात में लाल बत्ती दिखाता है। ये भी सही है। और ट्रैप इंडिकेटर सेट है तो ट्रैप इंडिकेटर दिन में चालू जैसी किनारा या हरा टारगेट तथा रात में हरी लाइट दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा गलत है। आपका पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पहला एंड दूसरा सही है। ट्रैप इंडिकेटर क्या दिखाता है? पॉइंट के साथ एक उपकरण लगा होता है जो ये दिखाता है कि ट्रैप पॉइंट सेट है या खुला है। दूसरा, जब ट्रैप खुला होता है तो ट्रैप इंडिकेटर दिन में लाल टारगेट तथा रात में लाल लाइट दिखाता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट सेंटिंग क्या होता है? फ्लैट सेंटिंग क्या होता है? तो ऑप्शन 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो जब वाहन इंजन के साथ लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित किया जा रहा हो तो उसको कहते हैं फ्लैट शंटिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है जब वाहन इंजन के साथ लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित किए जा रहे हैं तो उसे कहते हैं फ्लैट शंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, सैको ए बी सी स्लैक फ्री आदि क्या है? तो ये है कपलिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सैको एक प्रकार का कपलिंग ही होता है जो डेमो में लगा होता है, ईएमओ और डेमो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंभीर दुर्घटना नहीं है? तो ऐसी दुर्घटना जिसके लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त स्तर की जांच की जाती है, ये जनहानि है, दुखदायी चोट। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कह रहा कौन सा नहीं है, तो सी नहीं है और पहला और दूसरा सही है। पहला क्या है, ऐसी दुर्घटना जिसमें रेलवे सुरक्षा है सीआरएस के द्वारा जांच हो, और दूसरा जनहानि हो, दुखदायी चोट नहीं होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हाईएस्ट एंडेवल स्कॉच ब्लॉक माध्यम है तो ब्लॉक उपकरण के यार्ड के आइसोलेशन के उपयोग में से किसी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही, आइसोलेशन का साधन है स्कॉच ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट सिग्नलों के मध्य स्थित होता है तो सबसे बाहर वाले, 18 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बाहर वाले सिग्नलों के मध्य स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर का, यार्ड से या यार्ड की तरफ आने जाने वाली ट्रेन इंजन के लिए अथवा लोको शेड की तरफ जाने वाले इंजन के लिए या स्वतंत्र इंजन शंटिंग संचालन के लिए आरक्षित लाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, इंजन रन आउट लाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंजन रन आउट लाइन। यार्ड से या यार्ड की तरफ आने जाने वाले ट्रेन इंजन के लिए अथवा लोको शेड की तरफ जाने वाले इंजन के लिए या स्वतंत्र इंजन शंटिंग संचालन के लिए आरक्षित लाइन है, इंजन रन आउट लाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दूरी किलोमीटर तक की यात्री गाड़ियों को 3 कोच के दोनों तरफ यह सलार लगाकर चलाने की अनुमति रेलवे बोर्ड ने दी है। तो लगभग कितना, 150 किलोमीटर अगर चलाई जाती है गाड़ी को तो दोनों तरफ यह सलार लगाना अनिवार्य है, रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड ने 24 कोच के साथ चलने वाली यात्री गाड़ी के साथ 25वां कोच लगाकर चलने की अनुमति है, तो कौन सा कोच है 25वां? तो निरीक्षण कैरेज होगा। जो
21 नंबर का क्वेश्चन है, निरीक्षण कैरेज। रेलवे बोर्ड ने 24 कोच के साथ चलने वाली यात्री गाड़ी के साथ 25वां कोच निरीक्षण कैरेज लगाकर चलने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, ताले व खिड़कियां लगाकर कारखानों को वापस भेजने के दौरान यात्री गाड़ियों के साथ जोड़े गए पीओएच साइड कोच को क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है इंजन से अलग या सबसे पीछे जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंजन से अलग या सबसे पीछे जोड़ना। क्वेश्चन है, एक क्या लिखा है, साफ दिख नहीं रहा है। अच्छा, ताले व खिड़की लगाकर कारखानों को वापस भेजने के दौरान यात्री गाड़ियों के साथ जोड़े गए पीओएच कोच क्या करता है? इंजन से अलग या सबसे पीछे जोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फिर से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये टाइपिंग करना पड़ेगा। 23 नंबर का क्वेश्चन, मालगाड़ी के साथ मृत लोको को जोड़ने पर अधिकतम डॉट डॉट लोको को जोड़ सकते हैं ताकि गाड़ी की संपूर्ण लंबाई लूप लाइन पर स्टार्टर से फाउलिंग मार्क तक रह सके। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। क्या कह रहा है, कार्यत तथा मृत कार्यत हो या मृत, और दूसरा है कार्यत, ये तीन कार्यत और एक मृत लगा सकते हैं। मालगाड़ी के साथ मृत लोगों को जोड़ने पर अधिकतम दो कार्यत और दो मृत, या तीन कार्यत या एक मृत लोगों को जोड़ सकते हैं ताकि गाड़ी की संपूर्ण लंबाई लूप लाइन पर स्टार्टर से फॉलिंग मार्क तक रहे। अगर मालगाड़ी के साथ लगे हैं दो इंजन कपलर और एक दो मृत भी जोड़ सकते हैं, तीसरा, या तीन इंजन का वर्किंग में रहे और एक डेड लगा सकते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस पास मिश्रित गाड़ी द्वारा अधिकतम संख्या में मृत इंजन एसी खींच सकते हैं। एसी लोकोमोटिव में मेल या मिश्रित गाड़ियों द्वारा अधिकतम कितने डीजल मृत डीजल इंजन खींच सकते हैं? मेल एक्सप्रेस में 24 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही लगा सकते हैं। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में एक ही डेड इंजन लगा सकते हैं और राजधानी शताब्दी में तो कुछ नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का, ढलान पर हाथ से सेंटिंग निषेध है। तो कितना है, 1 in 400 अगर है तो निषेध है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 in 400 ढलान पर हाथ से सेंटिंग निषेध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 26 नंबर, डिस्टेंस सिग्नल स्लो स्पीड वी होम सिग्नल इन क्लियर्ड कॉशन फॉर मेन लाइन इन डबल डिस्टेंस। 26 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, अटेंशन अटेंशन होगा। डिस्टेंस सिग्नल स्लो एस्पेक्ट कौन सा सिग्नल दिखाएगा हु द होम सिग्नल इज द क्लियर्ड कॉशन ऑफ मेन लाइन इन डबल डिस्टेंस। अगर डबल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस सिग्नल कौन सा दिखेगा, अटेंशन सावधान रहना होगा, एस्पेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, मार्क किए गए वाहनों को जोड़ना चाहिए। 27 पिछले बीबी के पीछे जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, रियर ऑफ रियर बीबी के पीछे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, VVZI या VVZC का उपयोग किया जाता है, 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये माल भाड़े वाली गाड़ियों में गार्ड वैगन के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। VVZI या VVZC का उपयोग माल भाड़े वाली गाड़ियों में गार्ड वैन के रूप में किया जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, बोस्ट BOST बोस्ट फॉर्मेशन में डिब्बे होते हैं, 29 नंबर का। उनतीस नंबर का डी ऑप्शन, 45 डिब्बे होते हैं, बोस्ट फॉर्मेशन में 45 डिब्बे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजदीकी रेलवे हॉस्पिटल का विवरण प्रत्येक स्टेशन पर निम्न फॉर्म में होता है। तो ये ACC 10 में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नजदीकी रेलवे हॉस्पिटल अस्पताल का विवरण प्रत्येक स्टेशन पर निम्न फॉर्म में होता है, ACC 10 में। 31 नंबर का क्वेश्चन, एकेहरी लाइन के दोहरी दोहरी एकेहरी लाइन के कार्य के दौरान दूसरी और अनुक्रमिक गाड़ियों की गति कितनी होती है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, नॉर्मल होगी। दोहरी दोहरी एकेहरी लाइन के कार्य के दौरान दूसरी और अनुक्रमिक गाड़ियों की गति नॉर्मल कैम्पेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BTP GLN डिब्बे में लगाए गए ब्रेक सिलेंडरों की संख्या होती है, 32 नंबर एक होती है। BTP GLN डिब्बे में लगाए गए ब्रेक सिलेंडरों की संख्या होती एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन से गाड़ी चालू करने के लिए प्राधिकार जारी किया जाता है। सिंगल लाइन से गाड़ी चालू करने के लिए बिना सिग्नल वाली, नॉन सिग्नल का है, यहाँ मिसिंग हो गया। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी चालू करने के लिए प्राधिकार दिया जाता है, 33 नंबर का T511 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर T511 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मंडलों के बीच ISMD संचालन अधिकृत करने के लिए प्राधिकारी है, 34 नंबर का सी सही है, PCOM होता है। दो मंडलों के बीच ISMD संचालन प्राधिकृत करने के लिए अधिकारियों द्वारा PCOM होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, संख्या में सपोर्ट दिए जाने चाहिए एलपीजी रैक के लिए, संख्या में सपोर्ट दिए जाने चाहिए दो, 35 नंबर पे दो होते हैं सपोर्ट के लिए, दो हो जाए एलपीजी गैस के लिए। 36 नंबर का क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर एक छोर पर स्टार्टर सिग्नल और दूसरी छोर पर लगे होते हैं, BSLB बोर्ड। दोहरी लाइन पर एक छोर पर स्टार्टर सिग्नल और दूसरी छोर पर BSLB बोर्ड लगे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन, जब कोई गाड़ी सिग्नल को डेंजर में पार कर गई है तो पार की गई दूरी ब्रेक ब्लॉक की गर्माहट का विवरण में लिखना चाहिए, 37 नंबर का नियंत्रण रजिस्टर में, ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेशन डायरी में लिखा जाएगा। जब कोई गाड़ी सिग्नल को डेंजर में पार कर गई है तो पार की गई दूरी ब्रेक ब्लॉक की गर्माहट का विवरण में लिखना चाहिए स्टेशन डायरी में। 38 नंबर का क्वेश्चन है, यदि होम सिग्नल में कोई लाइट नहीं है तो पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी को रिसीव करना है, 38 नंबर का
बी सही है। यदि होम सिग्नल में कोई लाइट नहीं है तो पहली गाड़ी 3693B पर और दूसरी गाड़ी भी 3693B पर भी रिसीव किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट फ्लैशिंग के दौरान पॉइंट को क्रैक करने के बाद पॉइंट को क्रैक करने के बाद यदि आवश्यक इंडिकेशन प्राप्त हो गया हो तो क्रैंक हैंडल को लगाने के बाद गाड़ी को से रिसीव करना चाहिए। 39 नंबर तो सिग्नल पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखा, पॉइंट फ्लैशिंग के दौरान पॉइंट को क्रैंक करने के बाद यदि आवश्यक इंडिकेशन प्राप्त हो गया हो तो क्रैंक हैंडल को लगाने के बाद गाड़ी को सिग्नल पर रिसीव करना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विफल सन सिग्नल को पार करने का अधिकार पत्र है तो T-370PHS। विफल सन सिग्नल को पार करने का अधिकार है T-370PHS। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ICC क्या है? 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है? ICC 41 नंबर का क्वेश्चन, एक्सपेंड ICC का फुल तो इंटरकनेक्टेड चैन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। इंटरकनेक्टेड चैन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर का क्वेश्चन है, ICC का गलत उपयोग करने पर संबंधित व्यक्तियों को सौंप देना चाहिए तो RPF और GRPF को। ऑप्शन नंबर ए सही है। LHB कोच में ICC हैंडल को खींचना होता है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन है, तो नीचे की तरफ खींचना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, डाउन पोजीशन में। 44 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष कारण के बिना अलार्म चैन खींचना सेक्शन 141 के तहत होता है। 44 नंबर का क्वेश्चन दंडनीय अपराध है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विशेष कारण के बिना अलार्म चैन खींचना सेक्शन 141 के तहत दंडनीय अपराध है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष कारण के बिना अलार्म चैन खींचने पर खींची विशेष कारण के बिना अलार्म चैन खींचने पर की सजा हो सकती है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, 1 ईयर। ऑप्शन नंबर डी सही है। विशेष कारण के बिना अलार्म चैन खींचने पर 1 साल की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LHB कोच में अलार्म चैन खींचने पर के माध्यम से रीसेट किया जाता है तो रीसेट चाबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रीसेटिंग चाबी होती है, उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 नंबर का क्वेश्चन है, डाट डाट बंद है तो उस कोच में ICC द्वारा कार्य नहीं करेगा। अलार्म चैन आइसोलेशन कोच कॉक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या कह रहा है, अलार्म चैन आइसोलेटिंग कॉक बंद है तो उस कोच में ICC द्वारा
कार्य नहीं करेगा। अगर आइसोलेशन को आपको बंद कर दिया जाए तो एसीपी जो होता है वो कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे आपातकाल में यात्रियों की सहायता के लिए आपातकालीन चयन सिस्टम लाया गया था। 48 नंबर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। क्या है, स्टेशन पर कोई परिवार का सदस्य ना रह गया हो और गाड़ी में आग लगने पर इसके लिए लाया गया था। क्या क्या है, स्टेशन पर कोई परिवार का सदस्य ना रह गया हो, आग लगने जैसे आपातकाल में यात्रियों की सहायता के लिए आपातकालीन चयन सिस्टम लगाया गया था। 49 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट किसी डिब्बे में फ्लैट टायर है तो समतलता का स्तर से अधिक होगा। डिब्बे में है तो 49 के बी ऑप्शन सही, 60 mm। कह रहा है 60, यदि किसी डिब्बे में फ्लैट टायर है तो समतलता का स्तर 60 mm से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ब्लॉक्ड सेक्शन में डॉट डॉट गाड़ियां नहीं भेजनी है। सी ऑप्शन सही है, ट्रैफिक, लाइन ब्लॉक स्टेशन में ट्रैफिक गाड़ियां नहीं भेजनी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष कारण के बिना अलार्म चेन खींचने पर रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, 1,000 रुपये। विशेष कारण के बिना अलार्म चेन खींचने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, प्रीमियम बीपीसी की वैधता कितने दिन होती है। 53 नंबर का, 52 नंबर का क्वेश्चन, 52 का सी है, 12 + 3 दिन। 53 नंबर का क्वेश्चन, ऑग्ज़िलरी रिजर्वायर में ब्रेक लगाने के दौरान हवा इकट्ठी की जाती है, इसकी क्षमता है। 53 नंबर के डी सही है, 100 लीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑग्ज़िलरी रिजर्वायर में ब्रेक लगाने के दौरान हवा इकट्ठी की जाती है, इसकी क्षमता कितनी है, 100 लीटर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, लीवर का उपयोग बाधा या ब्रेक बंधन के दौरान वितरण वाल्व को आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है, डीवी आइसोलेटिंग हैंडल होता है। डीवी आइसोलेटिंग हैंडल लीवर का उपयोग बाधा या ब्रेक बंधन के दौरान वितरण वाल्व को आइसोलेट करने के लिए किया जाता है, डीवी वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रेक सिलेंडर या आइसोलेट वाल्व में उपलब्ध होता है। ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग वाल्व में उपलब्ध होता है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में होता है, कोच में होता है और वैगन में होता है, दोनों में होता है। ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग वाल्व कोच और वैगन में उपलब्ध होता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल IBSS और GSS से पीछे मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 1,000 मीटर पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट के द्वारा ब्रेक अनुमेय वायु दाब में कम से कम ज्यादा करके नियंत्रित किया जाता है, तो ब्रेक पाइप के द्वारा। करें लोको पायलट के द्वारा ब्रेक अनुमेय वायु दाब को बीपी में कम ज्यादा करके नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, लोको का डार डार सभी डिब्बों में ब्रेक लगने के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, तो यमार जुड़ा होता है, मेन रिजर्वायर जुड़ा होता है। लोको का मेन रिजर्वायर सभी डिब्बों से ब्रेक पाइप के माध्यम से जुड़ा रह जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, पायलट द्वारा बीपी लाइन में, 69 नंबर,
ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट को बीपी लाइन में दबाव के माध्यम से कम किया जा सकता है। 69 नंबर के सिक्स A9 द्वारा ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट द्वारा बीपी लगाने से A9 के माध्यम से कम किया जाता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, बीपीसी का पूरा नाम क्या है? 60 नंबर का क्वेश्चन, बीपीसी का पूरा नाम, ब्रेक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। लिखा है ब्रेक पैकिंग सर्टिफिकेट, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बे का डीबी वाल्व हो गया, लिखा है चलने के दौरान यदि किसी डिब्बे का डीबी खराब हो गया हो तो उसके कारण हो जाएगा, तो ब्रेक बंद हो जाए, ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है चलने के दौरान यदि किसी डिब्बे का डीबी खराब हो गया हो तो उसके कारण ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बे में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या होती है, तो दो होती है, लिखा है बॉक्सियन एचएल, बॉक्सियन एन बीओएक्सी, बॉक्सियन एचएल और बीसीएन एचएल में डिब्बे में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या दो होती है। कोचिंग बीपीसी के प्रकार हैं, 63 नंबर का सी सही है, तीन प्रकार होता है कोचिंग में, बीपीसी के तीन प्रकार होते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है, आईसीएफ कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या होती है, तो चार होती है, ऑप्शन नंबर सी डी सही है, आईसीएफ कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या चार होती है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, बीटीएफएलएन डिब्बे में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या होती है, तीन होती है, QMBR का पूरा, QMRV का पूरा नाम क्या है? तो क्विक मैनुअल रिलीज वाल्व होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्विक मैनुअल रिलीज वाल्व होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, कल्पना करें कि 40 बॉक्सियन है तथा तो चार ब्रेक सिलेंडर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उस गाड़ी का ब्रेक पावर कितना होगा? 67, 90% होगा। तो यहाँ फार्मूला लिखिए, 36/40 गुणे 100, एक जीरो इसको काटेंगे, एक जीरो इसको काटेंगे, और 4 9 36 हो जाएगा, 90% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68 नंबर, LHB कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या होती है, आठ होता है, LHB कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या आठ होती है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य ब्रेक पाइप ऑक्सिलरी रिजर्वायर तथा ब्रेक सिलेंडर के साथ जुड़ा रहता है, 69 का बी सही है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मुख्य ब्रेक पाइप ऑक्सिलरी रिजर्वायर तथा ब्रेक सिलेंडर के साथ जुड़ा रहता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेक अनुप्रयोग के लिए ऑक्सिलरी रिजर्वायर में हवा जमा की जाती है और ब्रेक वैन के लिए इसकी क्षमता है, 70 नंबर पे ए सही है, 75 लीटर, ब्रेक अनुमेय के ऑक्सिलरी रिजर्वायर में हवा जमा की जाती है, ब्रेक वैन के लिए इसकी क्षमता कितनी है? 75 लीटर।
71 नंबर का क्वेश्चन है, गुजरने के बाद, हम्प से गुजरने के बाद जिस पहले बिंदु पर डिब्बे मिलते हैं उसको कहते हैं, तो किंग पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। हम्प से गुजरने के बाद जिस पहले बिंदु पर डिब्बे मिलते हैं उसे किंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 नंबर का क्वेश्चन है, डिब्बों को नियंत्रित करने व उसकी गति कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिटायर्ड होता है, डिब्बों को नियंत्रित करने व उसकी गति कम करने के लिए रिटायर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में 73 नंबर का क्वेश्चन है, पब्लिक साइडिंग का मालिकाना हक व संचालन का है, रेलवे है। पब्लिक साइडिंग का मालिकाना हक व संचालन रेलवे का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, सेंटिंग नेक के एक छोर व किंग पॉइंट के पास मुख्य हम्प लाइन के दूसरे छोर को जोड़ा जाता है। चलो, तो बाईपास या टालने वाली लाइन होती है। सेंटिंग नेक के एक छोर या किंग पॉइंट के पास मुख्य हम्प लाइन के दूसरे छोर को जोड़ता है, बाईपास या टालने वाली लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचाता है, यदि यात्री कोच में आग लग गई है तो की सुरक्षा सबसे पहली करनी होगी, तो यात्रियों की। ऑप्शन नंबर ए सही है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, हम्प से गुजरने के बाद जिस दूसरे बिंदु पर डिब्बे मिलते हैं उसे कहते हैं, 76 तो किंग पॉइंट कहते हैं, क्वीन पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम्प से गुजरने के बाद जिस दूसरे बिंदु पर डिब्बे मिलते हैं उसे कहते हैं क्वीन पॉइंट। 77 नंबर का क्वेश्चन है, बीटीपी जीएलएन डिब्बे में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या होती है, एक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्लॉक सेक्शन में दो गाड़ियों के डा डा दूरी पर रुकने पर ये बचाई गई दुर्घटना के अंतर्गत कहलाता है, तो 400 मीटर से कम निवारित टक्कर। ब्लॉक सेक्शन में दो गाड़ियों के 400 मीटर से कम दूरी पर रुकने पर ये बचाई गई दुर्घटना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपातकालीन में होम सिग्नल को ऑन स्थिति में फुटबैक कर दिया गया तो लोको पायलट को देकर पुनः चालू किया जाएगा। कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं होगा। यदि आपातकालीन में होम सिग्नल को ऑन स्थिति में फुटबैक कर दिया जाता है तो लोको पायलट को इनमें से कुछ नहीं देकर पुनः चालू किया जाएगा, जैसे सतर्कता आदेश, टीटीसी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएमडी का पूरा नाम क्या है? तो यह है इन्फ्रिंजिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इन्फ्रिंजिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, बी सी एन एच एल का पूरा नाम क्या है? बोगी कवर्ड विद हाई स्पीड विद एयर ब्रेक होता है। ऑप्शन नंबर सी से 81 का, 81 का ए सही है। बोगी कवर्ड हाई हैवी एक्सल लोड विद एयर ब्रेक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बोगी कवर्ड हैवी एक्सल लोड विद ईयर ब्रेक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्प से गुजरने के बाद जिस तीसरे बिंदु पर डिब्बे मिलते हैं उसे कहते हैं, तो जैक पॉइंट कहते हैं। हम्प से गुजरने के बाद जिस तीसरे डिब्बे पर डिब्बे गुजरते हैं उसे कहते हैं जैक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाइन पर या लाइन पर रिसीव किया जाएगा। हार्ट एक्सल लाइन को, हार्ट एक्सल गाड़ी को किस लाइन पर रिसीव किया जाएगा? तो मुख्य लाइन या पहले अनिवार्य टर्नआउट पर, मुख्य लाइन या पहले अनिवार्य टर्नआउट पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, BTPLN डिब्बे प्रकार का माल ले जाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम, BTPNL, ऑप्शन नंबर ए सही है। BCNHL डिब्बों वाली मालगाड़ियों में अधिकतम कितने डिब्बे होते हैं? 58 डिब्बे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। BCNHL डिब्बे वाले मालगाड़ियों में अधिकतम कितने डिब्बे होते हैं? 58 होते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर एक गहरी लाइन के कार्य के दौरान जब गाड़ी गलत लाइन पर जा रही हो तो पहली गाड़ी की गति कितने के एम्पियर तथा दूसरी गाड़ी की गति कितने के एम्पियर होगी? दोहरी लाइन पर एक गहरी लाइन के कार्य के दौरान जब गाड़ी गलत लाइन पर जा रही हो तो पहले की गति कितनी होगी और दूसरी की गति क्या होगी? 86 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है। 25, पहली गाड़ी गति 25 का, दूसरी नॉर्मल स्पीड से। 87 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार देने वाले कर्मचारियों की सूची प्रत्येक स्टेशन पर ACC फॉर्म होते हैं। तो ACC 8 फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी बोर्ड पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है वक्रता के कारण, दृश्यता कमजोर होने के कारण लगाया जाता है डब्लू बोर्ड। डब्लू बोर्ड लगाया जाता है वक्रता के कारण दृश्यता कमजोर होने पर डब्लू बोर्ड लगाते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप चलती हुई गाड़ी में कोई असामान्य स्थिति देखते हैं तो तुरंत संबंधित सिग्नल दिखाएंगे। लिखा है यदि आप चलती हुई गाड़ी में कोई असामान्य स्थिति देखते हैं तुरंत स्टेशन मास्टर को संबंधित सिग्नल दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेकिंग आफ्टर एंड ओवर ट्रेल्ड थ्रो पॉइंट, 90 नंबर का क्वेश्चन था, बी ऑप्शन सही, सख्त मनाही है। ब्रेकिंग आफ्टर एंड ओवर ट्रेल थ्रो पॉइंट सख्त मनाही है, प्रोहिबिटेड, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब नहीं समझ में आता है, इंग्लिश आता नहीं है। देखिएगा, यदि होम कॉलिंग ऑन सिग्नल विफल हो जाता है तो पहली गाड़ी को पर रिसीव किया जाएगा, T3693B के द्वारा। यदि होम या कॉलिंग ऑन सिग्नल विफल हो जाता है तो पहली गाड़ी को T3693B पर रिसीव किया जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन, अकेले एडवांस स्टार्टर के विफल हो जाने पर प्राधिकार LP को जारी किया जाएगा, T3693B प्लस इंड PN नंबर क्या है? यदि अकेले ELP लोको पायलट अकेले एडवांस स्टार्टर के विफल हो जाने पर T3693B प्राधिकार और ELP को जारी किया जाएगा और TN नंबर या PN नंबर जारी किया जाता है अगले स्टेशन मास्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 नंबर का क्वेश्चन, यदि कॉलिंग ऑन सिग्नल को टेक ऑफ करने का फॉर्म जारी किया हुआ है तो इस स्थिति में छोड़कर पॉइंट को क्लैंप व पैडलॉक करने की आवश्यकता नहीं है। 93 नंबर का क्वेश्चन,
351, ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि कॉलिंग ऑन सिग्नल को टेक ऑफ करने पर फॉर्म T-351 जारी किया हुआ है तो इस स्थिति में छोड़कर क्लैंप व पड़लाक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग परमिट इंडिकेटर डॉट डॉट पर लगाए जाते हैं जहां पर हमेशा शंटिंग चलती रहती है। शंटिंग नेक क्या है? शंटिंग परमिट इंडिकेटर शंटिंग नेक पर लगाए जाते हैं जहां पर हमेशा शंटिंग चलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉलिंग ऑन सिग्नल विफल है तो दूसरी गाड़ी को रिसीव करने के लिए प्राधिकार दिया जाता है। SPT दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBSS की विफलता के दौरान गाड़ी के LP को प्राधिकार पत्र दिया जाता है। IBS की विफलता के तो PLCT और T3693 भी दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिग्नल के विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट का दिखना और गायब होना कहलाता है। तो बबलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही, बबलिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस डिब्बों में AC व डीजल लोको के लिए संख्याओं में सपोर्ट आवश्यक है। दो द्रवित पेट्रोलियम गैस डिब्बों में AC और डीजल लोको के लिए दो संख्या में सपोर्ट आवश्यक है, आगे और पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बे NMG लगाने के लिए आवश्यक होते हैं, कार और ट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार और ट्रैक्टर NMG डिब्बे जो होते हैं कार और ट्रैक्टर ले जाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, BLCA या BLCB डिब्बे ले जाने के लिए उपयोग होते हैं, कंटेनर। ऑप्शन नंबर सी सही है। BLCA या BLCB डिब्बे जो होते हैं कंटेनर ले जाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा से क्वेश्चन आ गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ था? 10/5/1963 में लागू हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ था? 10/5/1963 में। 2 नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के तहत तमिलनाडु और केरल किस क्षेत्र में आते हैं? तो सी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ललित नारायण मिश्र थे। ललित नहीं, राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष के थे बीबी खेर थे। ऑप्शन नंबर ए से सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग द्वारा उपयोग में किए राजभाषा विभाग द्वारा उपयोग में लिए गए कूट OLIC का पूरा नाम क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, कमिटी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी कमेटी के चेयरमैन कौन है? 105 के बी सही है, प्रधानमंत्री होता है। राजभाषा के लिए संसदीय कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिखा 90% या अधिक लेकिन 95 से कम अंक हिंदी टाइपिंग पास करने पर नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 1200 रुपये। सॉरी, 800 रुपये होगा, 800 रुपये है।
800 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, 90% या अधिक लेकिन 95% से कम अंक पर हिंदी टाइपिंग पास करने पर नगद पुरस्कार की राशि कितनी, 800 रुपये। 108 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी में बातचीत के लिए कोर्स करने के लिए पात्र हैं, ओपन लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता के सीधे संपर्क में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी डी के कर्मचारियों को कोर्स किया जाता है, 109 का सी, प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स से कौन से महीने में निम्नलिखित हिंदी परीक्षाएं की जाती है, परीक्षाएं की जाती हैं, 110 का बी सही है, मई और नवंबर महीने। कौन से महीने में नियमित हिंदी परीक्षाएं कराने की जाती है, नवंबर महीने। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसमें से यदि कोई क्वेश्चन आपको गलत मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें क्वेश्चन का आंसर, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसको सुधार करके दोस्त लोग भेज देते हैं, इसके लिए मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक है, अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।